हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं नोएडा वापस आ गया हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूँ कि मैं बीच में 7 अप्रैल को एक बैंक ऑडिट पर गया था मुंबई, और वहाँ से मैंने 2-3 ब्लॉग भी अपलोड किया था। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट जर्नी का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। अगर आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, प्लीज़ जाके देख लेना। काफ़ी अच्छी ब्लॉग थी, और लाइक कर देना। सो, मैं कह रहा था कि मैं वापस आ गया हूँ। मैंने जाने का ब्लॉग अपलोड किया था, वहाँ से 2-3 ब्लॉग और अपलोड किया, बट रिटर्न जब आया मैं नोएडा, तो उसका ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया। हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ पर पहुँचते ही मुझे फर्स्ट डे ही फीवर हो गया था थोड़ा सा, और उसके बाद 1-2 दिन मुझे रिकवर होने में लगा। तो हम टोटल 4 दिन रुके थे, जिसमें 1-2 दिन तो मेरा ऐसे तबीयत खराब था, 2-3 दिन रिकवर होने में निकल गया। तो मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं था ज़्यादा, तो तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे ही नया जगह था तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने आते टाइम ब्लॉग नहीं बनाया। तो बट कोई ना, मैंने जाते टाइम ब्लॉग बनाया था, तो उसका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, तो प्लीज़ जाके देख लेना आप। आज है 28 अप्रैल, डे है थर्सडे। अभी टाइम हो चुका है 9 AM। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो चलो फिर चलते हैं ऑफिस। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आपने बैंक ऑडिट पर क्या सीखा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, उसका भी वीडियो शेयर करना। तो ठीक है, मैं एक बैंक ऑडिट का वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और बैंक ऑडिट पर मैंने क्या सीखा, क्या क्या करना होता है, तो उसका मैं वीडियो कल शूट करके और फिर अपलोड कर दूंगा। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा सेपरेट वीडियो बना के कि बैंक ऑडिट पर कैसे क्या करना होता है, तो उसका भी टेंशन मत लो आप। 1-2 दिन में मैं वो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो गाइस ये रहा मेरा छोटा भाई सितेश, से हाय। हाय। और अभी इसका फाउंडेशन के एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, चल पढ़ाई कर और बैग दे दे मुझे। तो गाइस निकलते हैं ऑफिस के लिए, सब कुछ रेडी हो गया, और बैग कवर फ़ोन का रख दे, इसमें बैग में रख दे। क्या क्या भर दिया, इतना भारी हो गया ये। और चेंज 10 रुपये देख वॉलेट में है कि नहीं। गैस ऑटो के लिए चेंज लेके चलना पड़ता है यहाँ से। रख दे नीचे, रख ठीक है, बंद कर दे दे इसको, इसके लगेगा इसको सही कर। हाँ, पानी पिला दे। बाय बाय, लगा ले। और आज अकाउंट खत्म हो जाएगा। अब क्यों, कौन सा रह गया, इकोनॉमिक्स रह गया बस। ठीक है, जल्दी ख़त्म कर। तो ये रिवीजन कर रहा है इसका, तो फर्स्ट टाइम सिलेबस खत्म, मतलब फर्स्ट ख़त्म हो गया सारा सिलेबस, बट ये रिवीजन कर रहा है अभी, तो ये इसका फर्स्ट रिवीजन चल रहा है। तो उसमें इसने मैथ और लॉ रिवाइज कर लिया, अब अकाउंट्स रिवाइज कर रहा है, तो अभी कंपनी रिवाइज कर रहा है। आज इसको बता रहा था मैं मॉर्निंग में, शेयर इशू कैसे करते हैं, उसके बाद शेयर कैपिटल, प्रीमियम, तो अभी ये कंपनी रिवाइज कर रहा है, और कंपनी इसके बाद, कंपनी लास्ट है, ठीक है, उसके बाद ये इकोनॉमिक्स रिवाइज करेगा, तो उसके बाद ये गांव चला जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ये गांव जाएगा, उससे पहले मैं इसको सारा सिलेबस रिवाइज करा के, और फिर 2-3 इसका टेस्ट ले लूँगा, और टेस्ट पेपर लिखवा के फिर इसको गांव भेजूँगा। गांव इसीलिए जा रहा है क्योंकि कभी कॉम का एग्ज़ाम भी वहीं पर है, तो इसीलिए मैंने सी ए फाउंडेशन का सेंटर भी होम टाउन में ही सिलेक्ट किया था। तो बी कॉम का एग्ज़ाम भी दे देगा और फाउंडेशन के भी एग्ज़ाम है। तो चलो फिर अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो गाइस आते ही ऑटो मिल गया, और मैं आ गया हूँ पारस के पास, ऑटो मिल गया, चलते हैं एडोब के पास। सीधा जाओगे, सीधे जाओगे ना, एडोबी के पास रोक देना कोने पर सीधा। तो गाइस मैं आ गया ऑफिस, और धूप हद से ज़्यादा धूप हो जाता है इस टाइम, चलते हैं ऑफिस ही, पसीना भी आ गया। तो वैसे मैं आ गया हूँ ऑफिस, अभी सर नहीं आए हैं, आएंगे करते हैं अपना काम।
तो गाइस आप लोगों को लगता होगा कि ऑफिस में आते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो ऑफिस में जब हम आते हैं तो सबसे पहला मेरा काम होता है मेल चेक करना। तो सबसे लैपटॉप खोलते ही सबसे पहले मेल चेक करता हूँ कि अगर कोई मेल आया हो या फिर पेंडिंग चल रहा हो वो सब। उसके बाद आगे देखते हैं कि कोई काम हम कल पेंडिंग छोड़ के गए थे उसको पूरा करना होता है, या फिर आज क्या करना है वो प्लान करना होता है। सपोज़ कोई काम चल रहा है 2-3 दिन तक चलता रहेगा तो उसी पे आके काम स्टार्ट करते हैं। चलो फिर मैं अपना काम करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस आजकल मैंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना सीख रहा हूँ। तो अभी मैंने 3 शेयर लिया है HFCL का और 4 शेयर लिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो 7 शेयर है मेरे पास टोटल। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ग्रो ऐप से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया है। तो मैं आप किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको सीखना भी है तो ग्रो ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो सब कुछ एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। रविंदर भाई क्या हाल चाल है? तो गाइस ये है रविंदर और राहुल है एग्जाम लीपर, इसका ये भी जाएगा फर्स्ट में से जा रहा है ना, सेकंड में से जा रहा है ये भी एग्जाम लीपर। इसका अभी सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम बाकी है इंटरमीडिएट का, तो 2 पेपर देना है इसको, ऑडिट और EISSM इसका पेपर पेंडिंग है, तो अभी जाएगा ये एग्ज़ाम देने। तो गाइस अगर आपको ये वॉलपेपर चेंज करना हो तो यहाँ पे कोने पे इधर एक आइकन मिलेगा आपको, इसको इस पर क्लिक करते ही ये दिख जाएगा सब कुछ। कस्टमाइज़ भी रख सकते हो आप, अपने लैपटॉप से ही अपलोड कर दो इस पर, या फिर आप गूगल क्रोम पे जाओगे तो ये इधर कई सारे ऑप्शंस है, कलर एंड थीम है इधर। इधर है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कई सारे बैकग्राउंड्स हैं, जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। मैं एक अच्छा वाला लगाता हूँ आपको फिर दिखाता हूँ, इसमें कौन कौन सा है। कौन सा लगाऊं, सब लगा के देखते हैं क्या करके। तो इसमें ये रहा डन, देखो गाइस अच्छा लग रहा है ना ये। आप भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन मिलेगा चेंज कर लेना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 6.5 hours later सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 1:35 PM और अभी लंच का टाइम है, तो चलते हैं लंच करने, देर बज चुके हैं, लंच कर लेते हैं। और आज लौकी ज़्यादा दाल कम दाल कम डाला हुआ है ना भाई, तेरे टैलेंटेड लग रहे हैं है? ज़रूरत से ज़्यादा ही कल आलू गाइस लंच करने के बाद नींद आती है तेज की। 2 hours later आजा तो कैसा लग रहा है आर्टिकल से, मजा आ रहा है? तेज बोल दे थोड़ा, अच्छा लग रहा है बहुत, अच्छा लग रहा है। हाँ पुराना हो गया अब तो पुराना हो गया, पुराना हो गया, लेकिन यहाँ पर चैनल पर तो तू नया है, अभी 2-3 वीडियो में आया बस, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कुछ अभी तक। 3-4 महीने हो गए, कितने महीने यहाँ पे, कितने महीने हुए आर्टिकल सीट के? 4-5 महीने हो गए यहाँ पर। तो गाइज मैंने इसको ज्वाइन करवाया था अपने फॉर्म में, और एक राहुल है वो अभी एग्जाम लिप पे चला गया है, उसको भी मैंने ज्वाइन करवाया, तो 2 आर्टिकल्स मैंने ज्वाइन करवाए, और भी आर्टिकल्स हमारे फॉर्म में रिक्वायरमेंट है दिल्ली ऑफिस में, तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बोथ ग्रुप पास होने चाहिए और जो दिल्ली के आसपास के हैं वो आ सकते हैं। तो वैकेंसीज है अभी 4-5 आर्टिकल्स हम और हायर करने वाले हैं अपने दिल्ली ऑफिस के लिए, तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा सब कुछ कि कितना स्टेपन मिलेगा और एग्जाम लिप्स वगैरह सब कुछ। फिलहाल अभी कुछ शेयर करना चाहता है तो आर्टिकल्स के एक्सपीरियंस के बारे में, ये है कि बहुत अच्छा है यहाँ पे और हर एक चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, ये सब, और GST भी अगर करना, ऑडिट तो है, ऑडिट तो है ही, तो अच्छा है। अभी ये एग्ज़ाम लिप्स पे जाएगा और एग्ज़ाम देख जाएगा फिर, तो अभी 2-3 दिन और आएगा, 2 दिन और आएगा, ये फ्राइडे सैटरडे फिर ये एग्ज़ाम लिप पे चला जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से एग्ज़ाम दिया
और फिर आइए एग्ज़ाम देके मिलते हैं। तो गाइज मैं कह रहा था कि हमारे ऑफिस में दिल्ली ऑफिस के लिए आर्टिकल्स चाहिए होगा, 4-5 आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग हैं प्लीज़ रेडी रहना और मुझे रिज्यूमे सेंड कर देना, मैं आपको मेल आईडी दे दूंगा उस पर। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 7 PM और निकलते हैं रूम पर, सब बैग वैग पैक कर चुके हैं, तो चलो फिर चलते हैं। तो गैस मैं आ गया हूँ रूम पर। सितेश